हमारी पिछली वीडियो में हमने हिंदी सिनेमा के उन 5 कलाकारों के बारे में बात की थी जिन्होंने लगातार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, जिनमें दिलीप कुमार जी, विमल राय जी, कुमार सानू जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और किशोर कुमार जी जैसे कलाकार शामिल थे। हमारी इस वीडियो को हमारे व्यूअर्स ने काफी प्यार दिया और साथ ही रिक्वेस्ट की इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी हम अपलोड करें, इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के और ऐसे 4 कलाकारों के बारे में जिन्होंने लगातार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। कौन है ये कलाकार, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूं हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। दिलीप कुमार जी, विमल राय जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, किशोर कुमार जी और कुमार सानू जी के बाद लगातार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले कलाकार के बारे में बात करें तो उनमें नाम आता है आशा भोसले जी का। यह हम सभी जानते हैं आशा भोसले जी का नाम हिंदी सिनेमा के ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के भी सबसे बेहतरीन गायिकाओं में लिया जाता है। आशा भोसले जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में फिल्मों और फिल्मों के अलावा अलग अलग भाषा में कुल मिलाकर 16,000 से भी ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है, जिनके लिए उन्हें कई अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है और इन्हीं पुरस्कारों में से फिल्म फेयर अवार्ड भी एक है। जिस तरह फिल्म फेयर अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट मेल सिंगर को अवार्ड दिया जाता है, वैसे ही बेस्ट फीमेल सिंगर को भी फिल्म फेयर अवार्ड हर साल दिया जाता है और आशा जी ने ये अवार्ड अपने बेहतरीन गायकी के लिए 7 बार जीता है, जो हिंदी सिनेमा का एक रिकॉर्ड है। आशा जी को 7 बार मिले फिल्म फेयर अवार्ड में से उन्होंने लगातार 4 बार ये अवार्ड अपने नाम किया है, जिनमें साल 1972 से लेकर साल 1975 शामिल है। आशा जी को साल 1972 में फिल्म कारवा के गाने पिया तू अब तो आजा, साल 1973 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के गाने दम मारो दम, साल 1974 में फिल्म नैना के गाने होने लगी है राज जवान और साल 1975 में फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए के गाने जैन से हमको कभी के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। ये कारनामा करने वाले आशा जी हिंदी सिनेमा के एकमात्र फीमेल सिंगर है। उनके बाद कोई भी फीमेल सिंगर लगातार फिल्म फेयर अवार्ड जीत नहीं सकी है, यहाँ तक लता मंगेशकर जी भी नहीं। नंबर 2 अनुपम खेर। अनुपम खेर जी का नाम आज हिंदी सिनेमा के वर्सटाइल एक्टर में लिया जाता है, जिसकी एक वजह उनके एक्टिंग और उनके द्वारा निभाए गए बेहतरीन किरदार है। अनुपम जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए हैं, जिनमें कैरेक्टर किरदार, विलन के किरदार, हीरो के किरदार और कॉमेडी किरदार भी शामिल है और इन्हीं निभाए किरदारों की वजह से अनुपम खेर जी अपने फिल्मी करियर में एक ऐसा कारनामा कर चुके हैं जो हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सके है। अनुपम जी का भी नाम उन्हीं कलाकारों में आता है जिन्होंने लगातार फिल्म फेयर अवार्ड जीते है और ये अवार्ड उन्हें उनकी बेहतरीन कॉमेडी के लिए दिए गए है। फिल्म फेयर अवार्ड कैटेगरी में साल 1967 से बेस्ट कॉमेडियन का एक अवार्ड फिल्म के कॉमेडी किरदार को दिया जाता था, जो साल 2007 के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन जब तक ये अवार्ड कॉमेडियन एक्टर को दिया जाता था तब अनुपम जी ने यह अवार्ड लगातार 3 बार जीता था, जो हिंदी सिनेमा में बड़े बड़े कॉमेडियन नहीं जीत सके थे, जिनमें महमूद जी, जगदीप जी, उत्पल दत्त जी और केशव मुखर्जी जैसे भी एक्टर शामिल थे। अनुपम जी ने बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड साल 1992 से लेकर साल 1994 तक लगातार 3 साल जीता था, जिनमें साल 1992 में खेल फिल्म के लिए, साल 1993 में लम्हे फिल्म के लिए और साल 1994 में डर फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। लगातार 3 साल फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले अनुपम जी अकेले हिंदी सिनेमा के कॉमेडियन एक्टर है। उनके बाद जॉनी लीवर ही 2 बार लगातार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। नंबर 3 आशुतोष राणा। जहाँ बॉलीवुड में अच्छी सूरत और फिट बॉडी को आजकल अभिनेताओं के लिए जरूरी मानी जाती है, वही हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे भी एक्टर है जिन्होंने इन सभी मापदंडों को तोड़ते हुए अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाकर दिग्गज कलाकारों का दर्जा हासिल किया है और उन्ही कुछ कलाकारों में आशुतोष राणा का भी नाम शामिल है। आशुतोष राणा के लिए ये कहा जाता है कि वो अपने निभाए गए किरदार में कुछ इस तरह घुस जाते हैं कि स्क्रीन पर उनका अभिनय तालियां बजाने लायक होता है। आशुतोष राणा ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं, जिनमें साइड एक्टर, कॉमेडी एक्टर और विलन के किरदार शामिल है, लेकिन आशुतोष राणा को हिंदी सिनेमा में उनके द्वारा निभाए गए विलन के किरदार के लिए जाना जाता है। 90 के दशक के बाद जब हिंदी सिनेमा पूरी तरह बदल गया था और बॉलीवुड के विलन कैरेक्टर और कॉमेडी किरदार निभाने लगे थे और फिल्मों के हीरो विलन के किरदार निभाने लगे थे, तब आशुतोष राणा ने बॉलीवुड में अपनी विलन वाली एंट्री लेकर अपने एक्टिंग से सभी को ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि फिल्म का विलन ही होता है। आशुतोष राणा ने अपने करियर की शुरुआत में ही ऐसे विलन के किरदार निभाए थे जिसके लिए उन्हें दर्शकों की तारीफ तो मिली, साथ ही उन्होंने लगातार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिंगर और बेस्ट कॉमेडियन की तरह ही साल 1992 से लेकर साल 2007 तक बेस्ट विलन की कैटेगरी भी होती थी, जिनमें उन एक्टर को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जाता था जिन्होंने फिल्मों में खलनायक के बेहतरीन किरदार निभाए होते थे। और इसी कैटेगरी में आशुतोष राणा ने बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड लगातार 2 साल अपने नाम किया था, जो बॉलीवुड का एक रिकॉर्ड है। आशुतोष राणा को पहली बार बेस्ट विलन
का फिल्म फेयर अवार्ड साल 1999 में उनकी फिल्म दुश्मन के किरदार गोकुल पंडित के लिए मिला था और दूसरी बार साल 2000 में उनकी फिल्म संघर्ष के किरदार लज्जा शंकर के लिए बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आशुतोष जी के पहले और बाद में किसी एक्टर को दो बार बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था। नंबर 4, आलिया भट्ट। सिनेमा के लिए आज ये कहा जाता है कि कोई भी फिल्म हीरो के बिना नहीं बन सकती, वैसे ही हीरोइन के बिना भी फिल्में अधूरी होती है। जिस तरह फिल्म फेयर अवार्ड की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मेल एक्टर को दिया जाता है, वैसे ही बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस को भी उनके बेहतरीन अभिनय के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्हें 5 बार तक बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, जिनमें नूतन जी, काजोल और आलिया भट्ट शामिल है। यहाँ तक इन अभिनेत्रियों में कुछ ऐसी भी अभिनेत्रियां शामिल है जिन्होंने लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, जिनमें मीना कुमारी जी, जया बच्चन जी, शबाना आजमी जी, माधुरी दीक्षित जी और रानी मुखर्जी शामिल है। लेकिन इन्हीं अभिनेत्रियों में आलिया भट्ट हिंदी सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री रही है जिन्होंने बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड 2-2 बार लगातार जीता है। आलिया भट्ट ने पहली बार 2 बार लगातार फिल्म फेयर अवार्ड साल 2019 में राजीव फिल्म के लिए और साल 2020 में गली बॉय के लिए जीता था, और फिर दूसरी बार साल 2023 में गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और साल 2024 में रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। ऐसा करने वाली आलिया भट्ट बॉलीवुड की अकेली अभिनेत्री है। भविष्य में शायद ये कारनामा कोई और एक्ट्रेस कर ले, लेकिन फिलहाल ये उपलब्धि आलिया भट्ट के नाम है। तो ये थे वो हिंदी सिनेमा के 4 कलाकार जिन्होंने लगातार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।